बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फैसला आपका में खुश आमदेद। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं वादी कलाम के रास्ते पे, हम जा रहे हैं वादी कलाम का रुख करेंगे, वहाँ भी आपको कवरेज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों से बात करते हैं। रोड के मसाइल भी आप ही मौजूद हैं, सयाह बहुत से आ रहे हैं, दूर दूर से सयाह आ रहे हैं, लेकिन रोड का मसला बहुत लोगों को आ रहा है। इस हवाले से लोगों से बात करते हैं कि उनका स्वात के इस खूबसूरत नज़ारों के बारे में क्या कहना है। हमारे साथ रहिए। यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और स्वात के बारे में उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? जी अल्लाह का। आपका नाम? मोहम्मद शब्बीर। कहाँ से आए आप? जी मैं लाहौर से हूँ, जरगर हूँ। तो कैसा लगा स्वात? यार स्वात तो बहुत अच्छा, बड़ा रोड बहुत ख़राब है, सफ़र बहुत दूर का है, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हुकूमत ने यहाँ कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, 0/0 है, इतनी कोई तब्दीली, नो चेंज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अहमद। कहाँ से आए? लाहौर से। तो कैसे लग रहे हैं, खूबसूरती कैसी लग रही है स्वात की? जी खूबसूरती तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, स्वात में इंजॉय तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, सीन वगैरह, मंजिलें, ये मुराद सब देख के, पहाड़ वगैरह, दिलकश मंजर, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन ये है कि जो स्वात तक है वो गर्मी है, आगे थोड़ा मौसम की तब्दीली है, दरिया का नज़ारा है, दरिया का मज़ा आ रहा है, पहाड़ है, सब सब्जी है। रोड का मज़ा आ गया? रोड तो बहुत गंदा है, रोड तो तकरीबन जो 15 मिनट का रास्ता है वो हम 1.5 घंटे में तय कर रहे हैं, 2 घंटे में तय कर रहे हैं, बिल्कुल ख़राब रोड। ठीक है, तब्दीली बिल्कुल भी नहीं है, तब्दीली थोड़ी सी भी नहीं आई, जिस तरह आज से 4 साल पहले था वही आज है। ठीक है, और स्वात की नुमाइंदगान को क्या क्या बताना चाहेंगे? उनको यही बताएंगे कि प्लीज़ उनकी मेहरबानी, सबसे पहले तो ये रोड को बेहतरीन तरीके से बनाएं, ताकि जो लाहौर इतनी दूर से लोग आते हैं सफ़र के लिए, इंजॉय के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, उनके लिए एक अच्छा मुकाम बन जाए। ठीक है, जो रोड है सब तंग हो जाते हैं कि कहाँ आ गए हैं कहाँ नहीं, लेकिन मंजर अच्छे हैं, लेकिन रोड की वजह से हर बंदा तंग आया। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़ीशान। कहाँ से आए? हम लाहौर से। सब लोग लाहौर से? सारे लोग लाहौर से। काफ़ी इंजॉय किया हमने यहाँ, रोड में काफ़ी मुश्किलात हैं, काफ़ी ऊपर नीचे रोड है, इसकी वजह से काफ़ी हम तंग हुए हैं, फैमिली साथ थी, बुज़ुर्ग भी साथ थे, उनकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो अगर ये रोड अच्छा बन जाए तो यहाँ बहुत ज़्यादा विजिटर आएंगे, सिर्फ रोड का मसला, बाकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, खूबसूरत। और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इकरा। कहाँ से हैं आप? लाहौर से। आपको भी रोड का मसला? बिल्कुल। कैसा है रोड? बहुत बुरा, बहुत ख़राब। बाकी खूबसूरती कैसी है? माशाल्लाह बहुत अच्छी है। एंजॉय किया? अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमजा। कहाँ से आए हो? लाहौर से। सब लोग लाहौर से? हाँ जी। छुट्टियाँ? जी कितनी छुट्टियाँ मिली? काफ़ी सारी मिली हैं। कितनी हुई? 3 मंथ्स की। किस स्कूल में पढ़ते हो? लाहौर मॉडल। तो आज आके लोगों को क्या पैगाम दोगे? बस कहूँगा यहाँ पे बहुत अच्छा है ये रोड। क्या बताओगे? रोड भी अच्छा? रोड बहुत बुरा है यार, रोड से बहुत गिला है, और भी लोग हैं, आ जाए यार। अच्छा यारी बच्चा, तू बहुत खुश लग रहा है, इनसे थोड़ा पूछते हैं। बच्चा? यार बच्चे ही हो ना। अच्छा। इंजॉय तो सब कर रहे हैं। फिर ठीक। नाम? मैं ना फारूक। अच्छा, तो आप रोड को इंजॉय किया आपने? रोड तो बहुत ही आला है। इतना आला है? इतना आला है कि आप झूले लेते हुए आते हैं। अच्छा यार, तो तब्दीली के नारे बहुत लग रहे हैं कि तब्दीली आ गई है। तब्दीली तो ऐसा ही से आएगी ना? नहीं नहीं, तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली क्या आई है? नहीं आई तब्दीली। तब्दीली बिल्कुल नहीं आई, बिल्कुल नहीं। रोड का हाल देख लें, अल्लाह खैर करे कि हम लोग कहते अपनी गाड़ी पर आए, ले हमने तोबा की। तब्दीली है कि रोड पे, रोड पहले बिल्कुल सही थे, अब खराब हो गए, अब एक एक फुट खड़ा है। हाँ ये तब्दीली आ गई है, ये हाँ। इमरान खान को क्या पैगाम दोगे? मैं इमरान खान को ये कहूँगा कि यार ये सड़कें वड़के बनाओ, अभी नाम तुम्हारा बनेगा इलेक्शन में। किसको सपोर्ट करना है? इमरान खान को। किस तरह सपोर्ट करेंगे? रोड खराब है, सब कुछ सहूलियात नहीं है, ये सब यही तो नहीं है ना इमरान खान।
चार साल गुजर गए उसमें तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होगा, आगे जाके करेगा, जब जब उस जब उसे मौका दोगे तो करेगा ना, उसे तो अभी सिर्फ धरनों से फुर्सत नहीं है। यही बात है। नाज़रीन, मैं तो पहले अपने प्रोग्राम का जो टॉपिक था मैंने वो बदला हुआ था कि मैं सैर व तफरी पर बात करूंगा, लेकिन मैं तब्दीली भी बात करता हूं, क्योंकि जो सफ़र मैंने तय किया हुआ है तो मिनटों का सफ़र मैं घंटों में तय कर रहा हूं, इसी तब्दीली पर बात करते हैं। लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद वकार खान। कहाँ से हैं आप? मैं स्वात से आया हूँ जी, लोकल रेजिडेंट हूँ यहाँ का। जी जी। तो तब्दीली आ गई है? तो तब्दीली तो जी, नारे तो बहुत लगे हैं और हमने सुना था कि तब्दीली आएगी, वादे भी बहुत हुए हैं और हम तवक्को कर रहे थे कि यार ये वादे जो है ये सारे पूरे होंगे, लेकिन अफसोस की बात है जी, अभी रिसेंटली ईद गुजरा है तो उसमें हमने काफ़ी देखा है कि रोड्स के हालात तो खैर पहले से ही ख़राब है, और उसके अलावा जो है यहाँ पर मतलब कोई सिस्टम नहीं है पूरा इनका, कि मतलब ये इनको पता था कि इतने ईद के दिन या मतलब ये ऐसे फंक्शंस पे लोग आते हैं तो इनको पूरा एक सिस्टम बनाना चाहिए था कि रोड्स का क्या हिसाब किताब होगा, इनके ट्रैफिक का क्या हिसाब होगा, लेकिन कुछ हमने नहीं देखा। तो मैं तो अब भी खैर उम्मीद करता हूँ, अभी एक साल रहता है, डिस्करेज नहीं करते किसी को, हम अभी तवक्को करते हैं, उम्मीद करते हैं उनसे कि वो इंशाल्लाह कुछ करें। क्या आपकी उम्मीदों पे एक साल में उतर जाएंगे? मुश्किल है जी, लेकिन ये जो अभी इलेक्शन करीब आ रहा है तो हर पार्टी चाहती है कि वो कोशिश करे कि मतलब अपना एक स्टैंड, हाँ शायद, हाँ लेकिन मुश्किल है जी, मुझे मुश्किल लगता है। तब्दीली मुश्किल है। आपने तो लोगों की गिले भी सुनी है और तहरीक इंसाफ से उनका जो गिला है वो भी सुना हुआ है, स्वात की बाशिंदी भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। टूरिस्ट की बात भी सुन लिया आपने, स्वात के लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कह रहे हैं रोड के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका नाम? फजल हमीद। कहाँ से हैं आप? मिंगोरा से। तो कैसे लग रहे हैं? तब्दीली की नारी तो बहुत है, रोड खराब है, लोग गिले कर रहे हैं। मैं समझता हूँ पेशल से असल में जो तब्दील तो खैर वो अलग चीज़ है, वो तो सियासत की तरफ बंदा जाता है ना। मैं जनरल अगर बात करूँ तो लोग कहते हैं कि स्वाद जो है पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। मैं समझता हूँ कि नहीं, स्विट्ज़रलैंड जो है असल में वो पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का हमारा स्वाद है, जो स्विट्ज़रलैंड है वो असल में स्वाद वो है पाकिस्तान का। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसमें वो उस तरह की तरक्की होती, उस तरह उसमें डेवलपमेंट होती, तो मेरे ख्याल में ये दुनिया का वाहिद गारंटी है। इसमें जो चीज़ें सब नेचुरल है, उसकी पानी देख ले, इसकी पहाड़े देख ले, इसकी मतलब जो पौधे देख ले, जंगलात देख ले, इसकी आबो हवा देख ले, तो मेरे ख्याल में दुनिया की खूबसूरत तरीन खित्तों में कलाम का खित्ता और स्वात का खित्ता शामिल है। बदकिस्मती से उसमें वो तवज्जो नहीं दी गई जो उसको तवज्जो देनी चाहिए थी। फोकस नहीं है हुकूमत का? फोकस तो नहीं, मैं समझता तो वो समझती नहीं कि पाकिस्तान का हिस्सा है, वरना आप मरी को देख लें, उसकी रोड्स देख लें, उसकी मतलब वो स्वात से ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं है। वहाँ पे इसे कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक ठाक है, मौसलाती निज़ाम ठीक ठाक है, लोगों का वहाँ पर पहुँचना आसान है। यहाँ पे मसला सिर्फ ये कि आप पहुँचने की दूर है, मतलब टूरिज्म के लिहाज से दुनिया का वाहिद खिता ये होगा, अगर इसको डेवलप किया जाए तो मेरे ख्याल में दुनिया में लोग स्विट्ज़रलैंड की तरफ नहीं जाएंगे और स्वात आएंगे। मेन चीज़ क्या है, टूरिज्म को किस तरह प्रमोट किया जाए? सबसे बड़ी बात तो आप इस इलाके को आप जानते हैं कि यहाँ पे तो जो हालात गुजरे हैं मेन बात ही, अब मीडिया को चाहिए कि वो यहाँ की अमन को प्रमोट करे, दुनिया को दिखाए कि यहाँ पे कितने अमन है, ठीक है। दूसरी बात ये कि यहाँ के लोग कितने मेहमान नवाज है वो दिखाना चाहिए। तीसरी बात, सबसे जो बड़ी बात है, हुकूमत की फर्ज बनती है कि वो यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड तबाह हुई है उस पर तवज्जो दे। मेरे ख्याल में अगर रोड ठीक हो जाए तो कोई इस चीज़ की और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आप आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल।
کے لیے شکوے آپ لوگوں نے سن لیے ہیں, اور بھی ٹورسٹ ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ اس خوبصورت وادی کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم. السلام. آپ کا نام؟ انجینئر عمر فاروق. کہاں سے ہیں؟ میں سوات سے, منگاوارا سے. کیا کر لیں؟ دیکھیے جی, روڈ کی حالت بہت ہی خراب ہے, جیسے کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں, اس میں کوئی ڈکی چھپی بات تو ہے ہی نہیں. اب جو میں نے اندازہ لگا لیا, سائٹ پہ دو پلانٹ بھی لگے ہیں, لگا رہے ہیں بلکہ, اور کرش مشینیں بھی لگی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اس پہ کام شروع ہو رہا ہے, اور سنا ہے میں نے کہ افتتاح بھی اس کا ہو چکا ہے. تو یقیناً تکلیف دہ بات ہے کہ لوگ اتنے شوق سے ادھر آتے ہیں یہاں پہ کالام وادی میں, اور حق بھی ہمارا بنتا ہے. بچوں کی بھی چھٹیاں ہیں پورے پاکستان میں, تو بچے بھی آتے ہیں, بوڑھے بھی آتے ہیں, لیکن میں جتنا میں سمجھتا ہوں تکلیف ضرور ہے اس میں, بے شک کوئی وہ نہیں ہے, ابہام نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم انجوائے کر رہے ہیں اور بڑے مزے سے اس میں آ رہے ہیں, اور لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت خوش ہیں اور خوشی خوشی یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں. لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ باقی بھی ٹورسٹ جی جنت نظیر وادی ہیں, تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ یہاں پہ ضرور آئیں, یہاں پہ انجوائے کریں. دیکھیے آپ مری جائیں گے یا پیپٹ آباد نتیا گلیات میں جائیں گے, لیکن وہ نظارے ادھر ہی ہیں اور ادھر بھی ہیں, لیکن جو پانی اور جو دریا یہاں بہتا ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. تو اگر آپ اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں صحیح معنوں میں, تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ آئیں. اس سے پہلے تھوڑا سا مسئلہ وہ تھا, آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی کا, لیکن اب سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں, کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے پاکستانی بھائی دوست جھوک در جھوک یہاں پہ آئیں, اور ہم مطلب ان کی مہمان میزبانی کریں, اور ان کو مطلب اچھا میں ایک پیغام, یہاں کے جو ہوسٹ ہیں خصوصاً ہوٹلز والے ہیں اور یہ جو مطلب شاپس ہیں, ان کو میرے پہ ضرور کریں گے کہ وہ ان لوگوں کو اچھی چیز کھلائیں, بے شک پیسے زیادہ لے لیں, جو لوگ آتے ہیں ادھر وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے, لیکن چیز اچھی ہونی چاہیے, خوراک بہترین ہونی چاہیے, اسٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے, ان کا جو مطلب صفائی ہے صفائی کا بہترین نظام ہونا چاہیے. تو یہ میری ریکویسٹ ان لوگوں کی بھی ہے, اور باہر سے ہمارے جو دوست پنجاب سے پشاور سے سندھ کراچی سے آتے ہیں, تو میری ریکویسٹ ہے کہ وہ بار بار ادھر آئیں اور انہیں انجوائے کریں. پریزنٹ گورنمنٹ کو میں اتنا ہی کہوں گا کہ دو کہ یہاں پہ ہماری آرمی نے بہت ہی بہترین انتظام کیا ہے سیکیورٹی کا, لیکن ان کا بھی فرض بنتا ہے, پولیس ان کی ہے, تاکہ ان لوگوں کو راستہ دکھائیں, ان کو مطلب بتائیں, ان کو کچھ مطلب ڈرائنگ ادھر کے دے دیں, نقشے دے دیں, تاکہ وہ لوگ ادھر, ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی صرف کالام نہیں ہے سوات میں, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کا یہ فرض ہے, ٹورزم ڈپارٹمنٹ بھی ہماری ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو پیپر دے دے جس میں یہاں کا نقشہ ہو, خوبصورت وادیوں کا اس میں ذکر ہو, اور آبشار ہیں یہاں پہ ان کا بھی ذکر ہو. تو پروونشل گورنمنٹ کو میں یہ پیغام دوں گا کہ وہ مہربانی کر لیں اور ٹورسٹ کو بہترین گائیڈ دے دیں اور بہترین نقشے وغیرہ فراہم کر دیں. تھینک یو سو مچ. اچھا جی, یہاں پہ اس علاقے کے نمائندگان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, علاقے سے کئی دفعہ الیکشن بھی لڑ چکے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان حوالے سے ان کی کیا سجیشنز ہیں اور کیا کرنا چاہیے. السلام. وعلیکم السلام. آپ نے تعارف؟ میرا نام ہے نیروز میاں, نیروز میاں. 2013 میں میں نے تو این آئی 30 کا الیکشن کنٹیکٹ کیا ہے, ابھی بھی ارادہ ہے انشاءاللہ اگر اللہ سے منظور ہو تو میں ابھی بھی الیکشن کے لیے تیاری کروں گا. کیا کریں گے اپنے علاقے؟ اپنے علاقے کے لیے تو ترقیاتی کام ہے, روڈ نہیں ہے ہمارا, پانی نہیں ہے ہمارا, پانی بالکل نہیں ہے, اسپتال نہیں ہے, اسپتال کا نظام بھی خراب ہے, اسکول بھی ایسے ہے, ٹوریزم والا جو آلات آپ خود بھی دیکھتا ہے کہ کیسے, یہ روڈ ہے, یہ تو روڈ نہیں ہے, یہ تو بس ویسی گاڑی جو آتا ہے مجبوری سے آتا ہے. یہ میں تو کے پی کے گورنمنٹ کو بولوں گا کہ یہ آپ کے 5 سالوں میں تو آپ نے صرف دھرنا دیا ہے, ابھی تو ادھر تو علاقہ کو نہیں ہے کوئی بھی ایم پی اے ایم این اے ابھی تک میں نے تو نہیں دیکھا ہے کہ اس نے کون سا کام کیا ہے کون سا نہیں کیا ہے. یہ تو بس ووٹ کے لیے آتا ہے, ووٹ وصول کرے گا, پھر تو دوربین میں نہیں دیکھ, نہیں نظر میں نہیں آتا, نہیں آتا ہے, وہی تو نہیں آتا ہے. میرا ترقیاتی کام ابھی تک کوئی بھی نہیں ہوا ہے, آپ کی نظر کے سامنے ہے, جدھر بھی پہاڑوں میں جائے گا, جدھر گاؤں میں جاؤں گا تو پھر ادھر کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں ہے. 4 سال میں تو نہیں ہوئے, 4 سال میں تو صرف درد نہیں ہوتا ہے, 1 سال میں کچھ ہو جائے,
एक साल में किया, चार साल में तो नहीं होगा, तो एक साल में क्या होगा? एक साल में तो आइंदा इलेक्शन के लिए वही तैयारी करेगा, तो आगे कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह।